गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 2 जो है अपना फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 2 का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फिजिक्स का आप ये पार्ट पढ़ रहे हो और आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। और यहाँ पे आप लोग चाहो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे आप लोग को लाल कलर में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक कर दीजिए। बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो भी इसका मतलब रिंग नहीं आती है, यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को नहीं आती है। सो जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोग को सारे के सारे नोटिफिकेशन फ्रीली आप लोग के नोटिफिकेशन बॉक्स में मिलती रहेगी, ठीक है। बिकॉज उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जरूर कर लीजिए। ऊपर आपको आई बटन दिख रही होगी, वहां से इसका फर्स्ट वाला पार्ट जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि ये सेकंड पार्ट तभी आपको समझेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज फ्लूइड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स क्या होता है और इसके बेसिक बेसिक थियोरीज को भी हमने समझा था। आप मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ओके, फॉर दी नोट्स एंड डाउट सेशंस, ठीक है। चलो गाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वाला जो यहाँ पे अपना पार्ट है, यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर के बारे में, यानी कि व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड व्हाट इज गॉज प्रेशर, ठीक है। सो इनके बारे में आज हम डीपली एकदम अच्छे से समझेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास एक बीकर है, ओके, आपके पास एक बीकर है और यानी कि वेसल्स या कुछ भी बोलो, उसमें वाटर भरा हुआ है। आप उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी को डिप करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अब क्या होता है, तो सबसे ऊपर के पार्ट्स को हमने कंसिडर किया कि एक्स वन है उस सिलेंडर के, सबसे लोवेस्ट पार्ट को हमने एक्स टू कंसिडर किया, जो उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स का नीचे से मतलब जो ऊपर के सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसका इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, तो जो फोर्स है उसको हमने एफ वन कहा। फिर जो नीचे से, अभी ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये भी उसको क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो जो भी उसका ये फोर्स है वो एफ टू है, ओके। और इस सिलेंडर का जितना भी वेट है, तो हमेशा वेट का डायरेक्शन सेंटर के, अर्थ के सेंटर के टूवर्ड्स होता है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो mg होगा इसका वेट वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। फिर p1 क्या है, प्रेशर अपर सरफेस में, एंड p2 क्या है, ये भी प्रेशर लोअर सरफेस में सिलेंडर के, ड्यू टू जो भी लिक्विड्स है, मटेरियल या मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स, ओके। सो नाउ अभी हम समझते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप्ड आपके पास बॉडी है, फिल्ड इन अ टैंक, फिल्ड विद द वाटर, ये चीज ध्यान रखना है। एक क्या है, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉडी, जो ये है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसका ए एरिया है, एक्स वन माइनस एक्स टू इज नथिंग बट एच, वेयर हाइट ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे देखो, जो टोटल यहाँ से एक्स वन से लेके और एक्स टू तक की जो भी हाइट है, सो ये क्या हो जाएगी, टोटल हाइट रहेगी सिलेंडर की। सो अगर हम एक्स वन में से एक्स टू को माइनस कर देंगे तो अपने को टोटल हाइट मिल जाएगा, ओके, ध्यान देना अच्छे से। नेक्स्ट एफ वन है, एफ वन क्या है, ये एक्स ऑन सरफेस, एक फोर्स है जो कि एक्ट्स ऑन सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप यहां से देख सकते हो F1 जो है ये अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, F2 ये जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और सिलेंडर के लोअर पार्ट्स में क्या हो रहा है, बिलो पार्ट्स में सिलेंडर के अप्लाई हो रहा है। mg इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अभी बैलेंसिंग फोर्स क्या होगा, सो बैलेंसिंग फोर्स यहाँ पे आपको इमेजिन करना है, ध्यान देना अच्छे से। जो F1 है, ध्यान देना अच्छे से, कोई भी सिलेंडर अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया एफ वन, और उस सिलेंडर का वेट ही होगा ना, तो भाई वो भी तो mg है और वो भी डाउनवर्ड ही होगा, यानी कि टोटल कितने की फोर्स से ये सिलेंडर दौड़ रहा है, भाग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो एफ वन प्लस mg इतने टोटल इसका फोर्स है, mg उसका वेट वाला फोर्स और एफ वन जो हमने लगाया है, ठीक है। और जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो कोई तो इसे अपोज भी कर रहा है ना, फिलहाल इस कंडीशन में वाटर अपोज कर रहा है, तो कितने के फोर्स से कर रहा है, F2 के फोर्स से। और अगर सपोज हमने क्या पढ़ा कि अगर सपोज F2 ने इसको अपोज कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि F2 उतना ही फोर्स है जितना कि ये F1 और mg को हमने ऐड किया है, यानी कि F1 प्लस mg और F2 एक दूसरे के इक्वल है। अगर सपोज आपको, आप बहुत स्पीड में दौड़ रहे हो और आपको किसी ने रोक लिया, इसका मतलब क्या है, वो आपको उतने स्पीड से रोकेगा जितने स्पीड से दौड़ रहे थे, तभी आप रुक पाओगे, यानी कि यहां का फोर्स और इन दोनों का फोर्स जो होगा वो एकदम एग्जैक्टली इक्वल होगा, समझ गया कि नहीं। सो इसीलिए F2 जो है ये F1 और जो यहां पे mg है इसको क्या कर रहा है, पूरे के पूरे को अपोज कर रहा है, इसीलिए F2 क्या रहेगा, इक्वल रहेगा F1 प्लस mg के। नेक्स्ट अभी हम लोग ये इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको यहां पे दे दिया, आगे अभी हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग को पता है कि सपोज जो F1 है यहां से, तो अभी हमने प्रेशर निकाला P1 और P2,
तो P1 में जो प्रेशर आएगा, प्रेशर का फॉर्मूला हमको पता है, फोर्स अपॉन एरिया, इसके पहले की वीडियो में देखा है। सो P1 का जो अपना प्रेशर आएगा तो क्या आएगा यहाँ से, P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A, और एरिया तो सबका सेम रहेगा, पूरे सिलेंडर का एरिया सेम है, इसलिए एरिया हम कॉमन रखेंगे, ठीक है। सो F1 और यहाँ पे P1 बन जाएगा, फिर यहाँ से F1 की वैल्यू निकालूंगा, ये इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F1 P1 A। ऐसे सिमिलरली F2 के लिए यानी कि P2 के लिए भी हमको मिल जाएगा, और ये यहाँ पे फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। फिर नेक्स्ट थिंग हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हमने मास की वैल्यू निकाल ली, जो मास है इसकी हमने वैल्यू निकाल ली, और जब मास की वैल्यू निकाल ली तो यहाँ पे m यहाँ पे साइड में रख दिया, और डेंसिटी इंटू हमने वॉल्यूम ले लिया। और इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो वॉल्यूम होता है वो किसी की हाइट और जो उसकी एरिया, यानी कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये क्या होती है, वॉल्यूम होती है। सो यहाँ पे ये जो a इंटू h है, ये क्या है, अपनी वॉल्यूम होगी। सो ah यहाँ पे वॉल्यूम हो गई, और अभी अभी हमने देखा जो h की वैल्यू है वो x1 माइनस x2 है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 यहाँ पे टोटली आ जाएगा। सो h के जगह में x1 माइनस x2, और जो a एरिया और जो यहाँ पे रो है यानी डेंसिटी सेम, और मास मिल गया अपने को, ठीक है। नाउ अब इन सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यानी कि f2 इज इक्वल टू f1 प्लस mg। तो f2 की भी वैल्यू पता है, f1 की भी पता है, और m की भी पता है, बस g की नहीं पता है क्योंकि g तो सेम होता है, ठीक है। तो यहां पे अभी हमने f2 की वैल्यू पुट कर दी तो p2a आ गया, f1 की भी पुट कर दी तो fp1a आ गया, फिर प्लस रो यहाँ पे जो डेंसिटी a, और x1 माइनस x2 g आ जाएगा, समझ गया। तो ये चीजें आपको समझ के रखनी है। नेक्स्ट क्या है, हमने यहाँ से a जितना भी है इस सारे के सारे एक कॉमन ले लिया, और अंदर जो बचा ये चीज है, फिर a a यहाँ से कैंसल हो गया, और बचेगा p2 इज इक्वल टू p1 प्लस p, यहाँ पे जो ये रो है रो, ठीक है, यानी डेंसिटी है जो ये डेंसिटी, और g x1 माइनस x2। x1 माइनस x2 क्या है, ये कोर एरिया है यहाँ का, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ओके। सो इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। सो यहाँ तक अभी हमें ये जो फोर्स मिला है। अब हम थोड़ा सा डेप्थ की बात करेंगे, यानी कि डेप्थ में हमको यहाँ पे जो ये डेप्थ है, इस डेप्थ की मतलब जो हाइट होगी वो क्या होगी, और वहाँ पे क्या एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर अभी हमको मिल जाएगा। सो यहाँ पे सपोज हमने हल्का सा सिलेंडर को ऊपर लिया, हल्का सा जस्ट थोड़ा सा ऊपर लिया, तो अभी डेप्थ में प्रेशर क्या होगा, जब नीचे से हमने उसको उठाया रहेगा, ऐसा ऊपर उठाया रहेगा तब ना ऊपर गया, तो यहाँ पे इसका डेप्थ में प्रेशर कितना अप्लाई हमने किया वही होगा अपना एब्सोल्यूट प्रेशर, ओके। सो अभी हम यहाँ पे समझते हैं। सो प्रेशर ऑफ डेप्थ, डेप्थ हमने मान लिया कि h है, ठीक है, ये यहाँ से h है, इतना हमने इसे ऊपर उठाया है, इसकी जितनी हाइट है वही उसका डेप्थ है, ठीक है। चलो तो अभी इक्वेशन हमने जो सॉल्व किया है, पी टू इज इक्वल टू पी वन प्लस रो जी, जो भी आपको यहाँ पे मिला था अभी हमने इसके पहले जस्ट यहाँ पे अभी हमने देखा, हमको यही मिला था, ठीक है। सो इसी इक्वेशन से आगे सॉल्व करते हैं। लेट अस कंसीडर दैट P नॉट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके पहले वाला पार्ट जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि P नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कंसिडर करते हैं। सो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है, सो यह जो x1 पूरा का पूरा देखो एयर में आ गया है, तो यहाँ पे कोई वाटर का मॉलिक्यूल है नहीं, यानी कि नो प्रेशर, जो भी प्रेशर होगा वो एयर का होगा, सो x1 विल बी जीरो, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है जो P1 होगा, यहाँ पे P1 होगा ये उतना ही प्रेशर है जितना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि एयर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एयर का प्रेशर होता है ना कि लिक्विड का, ठीक है, क्योंकि हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर का प्रेशर होता है। सो x1 पे जो भी यहाँ पे फोर्स प्रेशर अप्लाई होगा, सो वो P1 सपोज कितना होगा, क्योंकि ऊपर यहाँ P1 रहता है ना, यहाँ पे P1 रहता है, सो P1 उतना ही होगा जितना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि अपर पार्ट है जो बॉडी का वो एयर के पास है, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट जो x2 है, x2 अभी डेप्थ की जब हम बात करेंगे तो हाइट हो चाहे कोई भी चीज हो उसको हम माइनस में कंसिडर करते हैं, ऐसा हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ा था 11th में, ठीक है। सो x2 इज इक्वल टू माइनस हमेशा हाइट लगा देना, क्योंकि x2 ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात हो रही है और नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, ओके, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो x2 माइनस h, और जो p2 होगा इसको हमने p कंसिडर कर लिया, मान लिया कि p है जो P2 यहाँ पे अप्लाई होगा, और P2 जितना भी अप्लाई हो रहा है तभी तो ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में गई है, यानी कि यही P जो P2 रहेगा, यानी P यही क्या होगा अपना एब्सोल्यूट प्रेशर। तो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, और पुट करते ही हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो x1 पुट करेंगे जीरो, तो जीरो बन जाएगा, फिर यहाँ पे x2 माइनस h पुट कर देंगे, तो फटाफट सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं।
सो पी टू कितना बन जाएगा यहाँ पे फटाफट देखते हैं, पी टू कितना बन जाएगा, पी बन जाएगा, पी वन कितना बन जाएगा यहाँ पे पी नॉट बन जाएगा, फिर रो है और जी है, एक्स वन कितना बन जाएगा जीरो और माइनस यहाँ पे रहेगा और एक्स टू कितना रहेगा माइनस एच, ठीक है ये हो गया सारी चीजें। अब यहाँ से आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सो पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी और माइनस माइनस प्लस प्लस बन जाएगा एच आ जाएगा, सो यहाँ पे पी नॉट प्लस रो जी एच पी, ये अपने को मेन चीज मिल गई फॉर्मूला जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो वेयर पी इज द थिंग बट इट इज एन एब्सोल्यूट प्रेशर और एच रो जी है ये एक प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट डेप्थ, जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे डेप्थ, और जो पी होगा ये होगा अपना एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, जो टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर अप्लाइंग ऑन दिस सिलिंड्रिकल बॉडी, ठीक है ये होगा अपना पी, और जो एच रो जी है ये टोटल वो प्रेशर होगा जो लिक्विड कॉलम से लगता है, लिक्विड कॉलम मतलब जो लिक्विड इसमें अप्लाई कर रही है फ्रॉम द साइड ऑफ डेप्थ, ओके इस चीज को याद रखना अच्छे से, ठीक है। सो एच रो जी क्या और पी नॉट तो आपको पता ही भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि प्रेशर ड्यू टू एयर, ओके इस चीज को याद रखना, तो सो ये अपने को एक प्रॉपर रिलेशन मिला है इस चीज को याद रखना है। आगे बताऊंगा गेज प्रेशर क्या होता है, आपको पता चलेगा ना वैसे आप बोलोगे ये तो इतना आसान है, ध्यान देना अच्छे से, बस इस फॉर्मूले को याद कर लो P इक्वल टू P नॉट H रो जी, इसको याद कर लो अपने आप सारी चीजें समझ जाएंगी, ओके। तो देखो गेज प्रेशर क्या होता है, ये यहाँ पे कुछ और नहीं, अभी हमने क्या देखा P इक्वल टू P नॉट प्लस यहाँ पे H रो जी, रो क्या है डेंसिटी है, G ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, H इज दी हाइट और P नॉट इज दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड P इज नथिंग बट इट इज एन एब्सोल्यूट प्रेशर, ओके। सो व्हाट इज गेज प्रेशर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि P माइनस P नॉट, ओके। सो यही है अपना गेज प्रेशर, और ये क्या होगा अगर मैं P नॉट को इस साइड लेके जाऊं, सो P माइनस P नॉट यानी क्या मिलेगा H रो G, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी जितनी डेप्थ में प्रेशर होगा, यानी कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, यही होता है, ओके। सो ये चीज आपको याद रखना, ये था गेज प्रेशर। नाउ अब हम एक चीज और चीज देखते हैं यहां पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर अपना सिलिंड्रिकल बॉडी का सारा पार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, पहले कहा था मिडल में था, फिर इसका अपर वाला जो लेयर थी वो सिर्फ सरफेस से अटैच हुई, अब लोअर लेयर सरफेस से अटैच हो गई, सो अब क्या होगा, ठीक है यानी कि फाइंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अब तो ये पूरी की पूरी बॉडी पार्टी एयर के पास है, ठीक है, तो इसीलिए एयर के वजह से जो भी प्रेशर लगता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सो फाइंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ डिस्टेंस डी, यानी कि जो भी डिस्टेंस किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी को हमने डिस्टेंस डी पे रख दिया है, ठीक है, डिस्टेंस पे हमने कुछ समथिंग रखा है और कहां पे एयर पे और लिक्विड पे उसका सिर्फ लोअर कॉलम ही अटैच्ड है, सो व्हाट विल बी हैपन, ओके। सो यहां पे कुछ और ज्यादा नहीं, x1 क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिस लोअर एंड टू अपर एंड इज नथिंग बट x1, दैट इज d, ओके हम यहां पे इसको कंसीडर कर लेंगे, देन p1 वही अपना p बन जाएगा यहां पे, जो p1 होगा यहां पे ये टोटल p बन जाएगा, ठीक है, फिर यहां पे x2 जो होगा ये लोअर बन जाएगा क्योंकि यहां पे सरफेस पे अटैच है और x2 जीरो ही रहता है जो सरफेस पे होता है, तो ठीक है। दूसरी बात P2 क्या रहेगा अपना, जो P2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है डायग्राम में आपके, और जो ये डेंसिटी है ये एयर की डेंसिटी होगी क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर में अब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 90% जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो एयर का हो रहा है ना कि वाटर का, इसके लिए यहाँ पे डेंसिटी जो होगी एयर मॉलिक्यूल्स की हम देखेंगे ना कि फ्लूइड की, यानी कि ना कि लिक्विड की, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस दोनों होता है, जो फ्लो कर सकते हैं द सब्सटेंस विच कैन बी फ्लोड इज द थिंग बट फ्लूइड, ओके इस चीज को याद रखना है ना। नेक्स्ट अभी यहाँ पे तो फिर क्या होगा उस फॉर्मूले में हम सारी चीजें पुट कर देते हैं ये वाले में, सो P2 क्या है अपना P0 है तो P0 आ जाएगा, फिर P1 क्या है P है तो P आ जाएगा, फिर रो की जगह में क्या लिखेंगे रो यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, ओके। देन क्या है यहाँ पे जी दिया है ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, फिर एक्स वन क्या दिया है तो एक्स वन जो आया अपना डी आया, यहाँ पे एक्चुअली माइनस आएगा और एक्स टू क्या है जीरो, सो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और जो लास्ट में आप इसको सॉल्व करोगे सो पी नॉट इज इक्वल टू पी प्लस रो एयर जी, ठीक है, सो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा और डी यहाँ पे डेंसिटी आप लिख लो, ठीक है। सो आपको क्या मिला यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर कौन सा मिला यहाँ पे फॉर दी फाइंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो ये मिला, और पी नॉट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी इज नथिंग बट एब्सोल्यूट प्रेशर, डी इज दी यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है, रो इज रो एयर इज द डेंसिटी ऑफ एयर, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन विच हैज वैल्यूज एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। सो नाउ इस चीज को आपको याद रखना है हमेशा के लिए।
आगे अभी हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, इस टॉपिक को अभी डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने जो भी चीजें पढ़ी थी, यानी कि ड्यू टू लिक्विड कॉलम, सो पी इज इक्वल टू एच रो जी, जो ये हमने पढ़ा था, यहाँ से आपको एक चीज सीखने मिलेगा। देखो आपने इस चीज को अभी याद रखना, अभी इसको पहले देखो, ये जैसा भी आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को समझो कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप क्या आंसर दोगे। इसका ध्यान देना कि जब आपने ए से लिक्विड फिल करना स्टार्ट किया और आपने सेम लेवल तक लिक्विड फिल किया, ये डी सी और बी ए हर जगह सेम लिक्विड लेवल आ गया है, सो सबसे ज्यादा इस पूरे पार्ट्स के कौन से बॉडी वाली जगह में ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा लिक्विड का, तो आप बोलोगे सबसे नीचे वाली जगह में, क्योंकि यहाँ पे डी का भी, यहाँ पे सी का भी, यहाँ पे बी का भी और यहाँ पे ए का भी प्रेशर ज्यादा इस वाले पार्ट में अप्लाई हो रहा है। सो इसीलिए जो ये बेसल पार्ट है, बेसल पार्ट में मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। आप ऐसा बोलोगे, यही एक पहेली जैसा है, पैराडॉक्स मीन्स एक पहेली टाइप का, ठीक है। सो यही आप इसे बोलोगे, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू साइंस क्या होगा, ठीक है, प्रूफ। सो पी इज इक्वल टू एच रो जी, ये होता है लिक्विड, यानी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर होता है, ठीक है, ये अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ओके। सो नाउ, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट वाले चैप्टर में, कि कोई भी आपके सामने बीकर हो, सपोज ये बीकर है आपके सामने, यहाँ पे लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है, और यहाँ पे ध्यान देना जितने भी यहाँ पे लिक्विड मटेरियल का पार्ट्स होगा, जितने भी यहाँ पे ये पार्टिकल्स है, और जो भी ये फोर्स लगा रहे कंटेनर में इंटरनली, समझो ये जो कंटेनर में फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये सारा का सारा फोर्स ईच एंड एवरी इन एकदम इक्वल फोर्स होगा, इक्वल प्रेशर अप्लाई होगा ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स में और कंटेनर्स में, ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। यानी कि बोलने का मतलब क्या है कि कोई भी आप कंटेनर ले लो, उसमें जो भी आपने फिल कर दिया है, जो भी चीजें फिल की है, यहाँ पे सपोज जितने भी आपने मॉलिक्यूल्स डाली, तो जो भी आप प्रेशर अप्लाई करोगे वो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स का प्रेशर एग्जैक्टली सिमिलर होता है, हर एक कंटेनर, हर एक जगह पे, इवन सरफेस पे भी, हर जगह। और ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल में अगर फोर्स अप्लाई करे तो वो भी एग्जैक्टली सिमिलर होगा, ठीक है, एग्जैक्ट सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस, इसका मतलब क्या है कि चाहे लिक्विड कहीं पर भी हो, वो एग्जैक्टली सिमिलर फोर्स अप्लाई करेगा, चाहे वो यहां पर हो और चाहे वो यहां पर हो, किसी भी पोजीशन में हो। सो यानी कि ये जो पैराडॉक्स है, आपने जो सोचा था कि सबसे बेसल एंड में सबसे मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा, ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि बेसल पार्ट में नहीं, बल्कि हर जगह लिक्विड एकदम परफेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा, ये होता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इक्वल ईच एंड एवरी, इक्वल फोर्सेस अप्लाई होगा सभी जगह, ठीक है, ये चीज आपको समझ के रखनी है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है, ये यही कहता है कि कोई भी लिक्विड का मटेरियल या मॉलिक्यूल्स रहने दो, वो एग्जैक्टली सिमिलर फोर्स, समझ लो ये मॉलिक्यूल अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है या फिर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगा रहा है, सो ये मॉलिक्यूल्स ये सब भी एग्जैक्टली सेम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ अब हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ, जिसका नाम है पास्कल्स लॉ, ठीक है। अब इस लॉ को आपको एकदम समझ के लेना है, रट्टा मत मारना, एग्जाम में तो जरूर आएगा, ठीक है, इसको याद रखना। सो ना होता क्या है ये पास्कल्स लॉ, इस चीज को हम अभी समझते हैं, ओके। ये भाई भाई जो अपना पास्कल लॉ है, ये होता क्या, एग्जैक्टली क्या होता है पास्कल्स लॉ, ओके। सो नाउ लेट अस स्टार्ट, ओके। जो पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, लाइक इनक्लोज्ड मतलब पैक्ड, जो फ्लूड पैक्ड होता है ऐसा, इंक्लोज्ड चारों तरफ से, ठीक है, इंक्लोज्ड फ्लूड, एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। अब इसका वर्ड का मीनिंग क्या, जस्ट कंसिडर करो और समझ के चलना। सपोज आपके सामने एक बड़ा सा कंटेनर है, ओके, और यहाँ पे लिक्विड मटेरियल ऐसे फिल्ड है, ओके, ये पूरा का पूरा लिक्विड मटेरियल यहाँ पे फिल्ड है, ओके, और ये एकदम ऊपर की सरफेस वाली लेयर है, ठीक है, ऐसा ऐसा फिल्ड है। चलो अब यहाँ पे आपको देना है ध्यान अच्छे से, ठीक है, चलो ध्यान समझना क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, अगर सपोज ये आपके सामने एक पिस्टन है, सपोज ये ऊपर मैंने एक चीज लगा के रखी है और
इसमें आपको ऊपर से ऐसा कुछ है और यहाँ पे आपको प्रेशर अप्लाई करना है। तो जब आप इसमें प्रेशर ऊपर से अप्लाई करोगे सो ये हल्का सा नीचे जाएगा, ये हल्का सा नीचे आएगा और किसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, ये प्रेशर अप्लाई करेगा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के या लिक्विड के, जो मॉलिक्यूल्स है इनमें ये प्रेशर अप्लाई करेगा। यानी जो पिस्टन है यहाँ पे, पिस्टन मतलब एक ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ पिस्टन होता है, ठीक है, ये होता है पिस्टन, ठीक है, जिससे हम लोग किसी भी चीज को ऐसा प्रेस कर सकते हैं, ऐसा प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है पिस्टन। तो पिस्टन के थ्रू जो भी हम लोग ने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया है इस लिक्विड मटेरियल पे, इस पे, इस सारे पार्टिकल्स में, ठीक है। सो क्या बोल रहा है पास्कल्स लॉ? पास्कल्स कहते हैं, ये लॉ बोलता है कि अगर आप किसी भी पार्टिकल्स में, किसी भी लिक्विड इनक्लोज्ड मटेरियल पे अगर रखा हुआ है, इनक्लोज्ड कंटेनर में अगर कोई भी लिक्विड मटेरियल रखा हुआ है और उस पे अगर आप कोई भी प्रेशर अप्लाई करते हो, तो वो जो प्रेशर होगा ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ पार्टिकल को ट्रांसमिट होगा, वो भी इक्वली ट्रांसमिट होगा, समझ गया? यानी कि इसमें से इसमें ट्रांसफर होगा, इसमें से नेक्स्ट वाला जो पार्टिकल होगा उनमें, ऐसे ऐसे करके फिर जब यहां पे आएगा तो वॉल ऑफ कंटेनर में ट्रांसफर होगा, यानी कि वॉल ऑफ कंटेनर में भी जाएगा सारा प्रेशर, ठीक है। फिर एक ऐसा टाइम आया कि वॉल ऑफ कंटेनर में ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा और वॉल ऑफ कंटेनर में बी रप्चर्ड, ठीक है, यानी कि जो वॉल ऑफ कंटेनर होगी वो फट सकती है। इस चीज को आपको समझ के अच्छे से रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था। यही होता है पास्कल्स लॉ, यानी कि आप पूरे लिक्विड में कहीं पर भी फोर्स अप्लाई करो तो वो जो प्रेशर होगा, जो फोर्स होगा, वो पूरे के पूरे लिक्विड मटेरियल्स में ट्रांसमिट हो जाएगा। और वो इवन जब एक ऐसा टाइम आया कि जब लिक्विड मटेरियल, जब पूरा का पूरा जो अपना मॉलिक्यूल्स होगा उनमें से जाना बंद हो जाएगा, सो वो कंटेनर में अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। इस चीज को आपको समझ के रखना है, ठीक है, यही चीज पास्कल्स लॉ होती है। अब हम इसको एक एक्सपेरिमेंटल व्यू से देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। सपोज एक्सपेरिमेंटली, अभी हम देखने वाले एक्सपेरिमेंटली, ओके, इस चीज को समझ लेना, ओके, चलो। सो यहाँ पे क्या, सपोज ये आपके सामने कुछ ऐसे शेप वाला एक मटेरियल है और ये जो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है ये कुछ नहीं और पिस्टन है जिसको आप प्रेस कर सकते हो, ओके। सो चलो समझ लो, इस वाले का एरिया 2a है, ये वाले खंधे का एरिया 2 है, इसका एरिया a है, इसका एरिया a अपॉन 2, इसका एरिया 3a है। और जब आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो सपोज मैंने बोला 2f का आप फोर्स अप्लाई करो, इसमें f का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसमें f अपॉन 2 का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसमें 3 टाइम्स ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे ध्यान देना, आप कोई भी फोर्स अप्लाई करो, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनमें इक्वल फोर्स ही अप्लाई होगा, इक्वल फोर्स अप्लाई होगा, चाहे कुछ भी हो जाए इक्वल फोर्स ही इनमें अप्लाई होगा। जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, आप चाहे किसी भी डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करो, इनमें इक्वल फोर्स अप्लाई होगा। हाउ? सो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। और हम लोग चलो फर्स्ट वाले की बात करते हैं, यानी कि हम लोग बी पॉइंट की बात करते हैं, बी पॉइंट की। सो पीबी यानी कि कितना है फोर्स, 2f है अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, f अपॉन a आ गया। नेक्स्ट पॉइंट टीसी कितना है, तो सी पॉइंट पे देख लो यहाँ पे 3f अपॉन 3a है, 3 से 3 कैंसिल, f अपॉन a आ गया। फिर ऐसे पीडी है तो डी पॉइंट पे, यहाँ पे देख लो डी पॉइंट पे क्या है, f अपॉन 2 अपॉन a अपॉन 2, 1 अपॉन 2 कैंसिल होगा और f अपॉन a आएगा। सो हर एक पी ए हो, चाहे पी बी हो, चाहे पी सी हो, सबकी वैल्यू f अपॉन a ही आएगी, और इसीलिए सबका जो प्रेशर होगा वो f अपॉन a है, यानी कि इक्वल है, और यही पास्कल लॉ बोलते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, ओके। सो फर्स्ट लॉ, फर्स्ट एप्लीकेशन इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब इस चीज को आपको समझना है, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान देना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल, रियल लाइफ का फंक्शनल समझ लो, ठीक है। कभी भी याद रखना, इसमें हम लोग स्मॉल प्रेशर अप्लाई करके, स्मॉल जगह में प्रेशर अप्लाई करके लार्ज वाली जगह को लिफ्ट करती है, बड़ी सी जगह को। यानी कि आप छोटे से एरिया में कुछ प्रेशर अप्लाई करो और ऐसी सेटिंग करो कि बड़ी वाली एरिया उठ जाए, यानी कि मैक्सिमम उसका फ्लो मोशन हो जाए। बोलने का मीनिंग यहाँ पे एक समझ लो, समझ लो आपके सामने एक ये ग्लास मटेरियल, यहाँ पे एक दूसरा ग्लास मटेरियल, दोनों ऐसे कुछ कनेक्टेड है और ऊपर ये पिस्टन है ग्रीन वाला, जहां पे आप F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे तो ये लिक्विड मटेरियल क्या होगा, यहां से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। एक मॉलिक्यूल देखो, यहां के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, यहां पे जितने ही मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे फटाफट मॉलिक्यूलर ट्रांसमिशन होगा, एक एक मॉलिक्यूल अपने अपने प्रेशर को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कौन सा प्रेशर, जो आपने यहाँ से F1 के थ्रू अप्लाई किया है पिस्टन का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो सारा प्रेशर यहाँ से यहाँ पे जाएगा और ये ऊपर की तरफ
लिफ्ट हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? यही होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, यानी कि आप स्मॉल पिस्टन का इस्तेमाल करके बड़े पिस्टन को क्या करोगे, लिफ्ट करोगे। समझ गया कि नहीं? यही होता है अपना हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओके, सो नाउ S1 एंड S2 विद द पिस्टन, ऐसा आपको लिखते चलना है या पढ़ते चलना है। जब आप इसको लिखोगे तो ऐसे लिखना, कंसीडर S1 एंड S2 विद द पिस्टन एंड F1 एंड F2 विद द फोर्स अप्लाइड बाय दिस एंड दिस। ठीक है, सो ये चीज समझना है। सो नाउ अब हम थोड़ा सा प्रूफ समझते हैं। हेयर यहाँ पे क्या होगा, पी जो है अपना F1 अपॉन A1, ठीक है, और जो यहाँ पे पी दूसरा वाला होगा दूसरे वाले के लिए F2 अपॉन A2, यानी कि ये F1 के लिए हो गया और दूसरा P F2 के लिए हो गया। हमने दोनों के लिए P ही कंसिडर किया है। ओके, फिर ये वाले से देखो यहाँ पे ये चीज आ गई, यानी कि F2 इज इक्वल टू PA2, यानी कि ये आ गया F2 इज इक्वल टू PA2 आ गया। ओके, यहाँ से हमने सॉल्व कर दिया, कैसे, ये इधर इसको इधर भगाया और F2 की वैल्यू हमको मिल गई। सो F2 इज इक्वल टू PA2। ओके, ये चीज मिल गई। और दूसरी पी क्या है, दूसरी पी क्या है, F1 अपॉन A1, तो यहाँ पे पुट कर दिया F1 अपॉन A1 और F2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 A2 अपॉन A1, ऐसा मिल गया समथिंग। सो यहाँ से पता क्या चला, हमने को ये पता चला कि जो F2 की वैल्यू है वो हमेशा F1 से बड़ी होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे F2 लिख दूं तो आपको क्या सीखने मिला, मैथमेटिक्स तो आपको इतना आता ही है कि इस वाले एरिया से आप पता करो कि F2 की वैल्यू ज्यादा बड़ी है कि F1 की वैल्यू बड़ी है। ऑब्सोल्युटली यहाँ पे F2 की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि A2 और कुछ A1 भी होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ से F1 भी है उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जो भी आएगी वैल्यू वो F2 हुआ करेगी। यानी कि जब आप F1 को कैलकुलेट करोगे तब आपको F1 F2 मिला करेगा, इसका मतलब F2 बहुत ज्यादा होगी, तो F2 का जो प्रेशर होगा वो F1 से बहुत मैक्सिमम है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे 10 न्यूटन लगाते हो फोर्स, तो यहाँ पे हो सकता है कि 50 न्यूटन का फोर्स लिफ्ट करे। समझ सकते हो आप कि यहाँ पे F2 मैक्सिमम होगा और F1 बहुत कम होगा। समझ गया, यानी कि लेस प्रेशर अप्लाई करके मैक्सिमम वाले पिस्टन को लिफ्ट करते हैं हम। समझ गया, यही होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, और जस्ट ये सिर्फ लिक्विड मटेरियल में ही अप्लाई होता है, और यूज करते हैं हम पास्कल्स लॉ को, क्योंकि जब हम यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे इनमें जैसे हमने पिस्टन के थ्रू फोर्स अप्लाई किया, ये फटाफट नीचे के पार्टिकल्स में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, सारे के सारे जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है सब में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा उस प्रेशर को, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे ट्रांसफर होगा और फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे ट्रांसफर करके F2 क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो ये चीजें समझ के रखनी है। नेक्स्ट है दूसरा वाला एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में समझते हैं। ओके, सो हाइड्रोलिक ब्रेक यानी लिक्विड का इस्तेमाल करके आप ब्रेक कैसे इस्तेमाल करते हो। सो इसमें नॉर्मली नॉर्मल फ्लूड यूज होता है, लाइक वाटर, ये नॉर्मल फ्लूड होता है, या फिर केरोसिन हो गया, ये सारी चीजें नॉर्मल होती है, यही चीजें इसमें यूज होता है। F2 इज इक्वल टू PA2 और फिर वही F2 इज इक्वल टू F1 आया, ठीक है, वही सेम बिकॉज F2 क्या है, जिसको हम लिफ्ट कर रहे हैं, और F1 क्या है, जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं। सो F1 अपना कम फोर्स पे ज्यादा वाली चीजें ज्यादा अप्लाई होती है। हम कितना देखो, इतनी ज्यादा स्पीड से कार जाती है और छोटा सा जस्ट ब्रेक लगाते हैं और इतनी बड़ी कार इतनी स्पीड से जा रही होती है और फटाक से सारे उसके जो व्हील होते हैं रुक जाते हैं। सो इतने छोटे से जस्ट हमने अपना लेग्स का इस्तेमाल किया और थोड़ा सा ब्रेक जस्ट प्रेस किया और पूरा का पूरा व्हीकल का जो व्हीकल होती है खुद ही स्टॉप हो जाती है। यानी कि जो अपना F1 होता है वो बहुत कम होता है अकॉर्डिंग टू F2, यानी F2 बहुत मैक्सिमम है। सो यही चीजें यहाँ पे आपको बताया, ज्यादा आपको इसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं भाई, आप एक बार जस्ट इस चीज को समझ लो कि हाइड्रोलिक ब्रेक में हमेशा जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो बहुत कम होता है और जिस पे अप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है उसमें फोर्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, या प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ये चीज आपको बस समझनी है, बाकी यहाँ पे कुछ भी स्लेव सिलेंडर वही है जिनमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे। मास्टर कौन सा है, इसमें नॉर्मली जैसे कि F1 वाला जिसमें हमने अप्लाई कर दिया, और स्लेव वाला कौन सा है जिसपे रिजल्ट आएगा। समझ गया कि नहीं, इनमें रिजल्ट आएगा, यानी कि ब्रेक फ्लूइड इनमें रिजल्ट आएगा। ओके, बस यही समझना है, मास्टर वाले में हमने यहाँ पे ब्रेक पेडल लगाया है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट पढ़ते ही बहुत ही आसान सा, ये कभी एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट है मेजरमेंट्स ऑफ प्रेशर, ये समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें कुछ कंसेप्ट है वो चीजें हम समझ लेते हैं। ओके, और आगे चल के बहुत यूज भी होगा। सो कभी भी जिस भी चीज का इस्तेमाल करके, जिस इंस्ट्रूमेंट का चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, वो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, लाइक ABNC ऐसे तीन चीजें हैं। पहले का नाम है प्रेशर मीटर, यानी कि प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रेशर मीटर, या फिर प्रेशर गेज, या फिर वैक्यूम गेज।
तो हम कोई भी इसमें से यूज कर सकते हैं, सब के सब प्रेशर को काउंट करके अपने को शो करता है। सो अभी हम लोग यहाँ पे फिलहाल मर्क्यूरी बैरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? मर्क्यूरी बैरोमीटर, और इसके थ्रू हम लोग प्रेशर का मेजरमेंट को समझेंगे अच्छे से। ओके, सो नाउ एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, एटमोस्फेरिक प्रेशर को जो मेजर करता हो, ठीक है, बाकी नॉर्मल एब्सोल्यूट वगैरह को नहीं, एटमोस्फेरिक प्रेशर को जो मेजर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? बैरोमीटर, एमसीक्यू पॉइंट। ओके नाउ सो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो ऐसा है कि ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इसको टोरिसिली ने बनाया था। किसने बनाया था? टोरिसिली ने, ठीक है, टोरिसिली इसको इन साइंटिस्ट का नाम है जो भी है। तो इन्होंने क्रिएट किया था, इन्वेंट किया था ऐसी चीज को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। ओके नाउ अभी हम यहाँ पे समझते हैं कुछ। यहाँ पे ये फिलहाल इन्होंने मर्क्यूरी यूज किया था। क्या यूज किया था? मर्क्यूरी। ओके चलो अब यहाँ पे इन्होंने डिश कुछ ऐसा समथिंग लिया, वेसल लिया, वेसल में इन्होंने यहाँ पे डिश भर दिया। यहाँ पे ये डिश है पूरा का पूरा, और इसमें मर्क्यूरी होल का थोड़ा, यहाँ पे मर्क्यूरी में ऊपर से एक कोई भी छोटी सी टेस्ट ट्यूब इन्होंने ऊपर से डाल दी। और मर्क्यूरी क्योंकि ज्यादा डार्क और जेली लाइक होता है, ओके, मतलब इतना हार्ड होता है, एकदम लिक्विड वाटर जैसे नहीं होता है वो, ओके, सो उसी को ऐसा उन्होंने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर से इन्होंने टेस्ट ट्यूब डाला, पहले यहाँ पे भरा हुआ था, तो जब आप अंदर से ऐसा इसमें डालोगे ऐसा, सो हल्का सा यहाँ पे शेप क्रिएट होगा और ये इंटरनली ऐसे जाएगा, समझ जाए कि नहीं, यानी कि कुछ ऐसा ही बन जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हो, जब ऊपर से आप टेस्ट ट्यूब अप्लाई करोगे किसी भी इस, यहाँ पे समझ लो यहाँ पे पहले ऐसा था, यहाँ पहले ऐसा था, फिर आपने क्या किया, ऐसा आपके पास समझ लो एक टेस्ट ट्यूब है और आपने उसको ऐसा अंदर डाल दिया, तो जब डालोगे तो ये हल्का सा ऐसा शेप में बन जाएगा ना। अब आप समझ सकते हो उसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके, ठीक है, तो जब बनेगा तो ये जो मर्क्यूरी है हल्का सा ऊपर आ जाएगा। ये चीज आप अपने घर में कर सकते हो। आप लोग सपोज एक ग्लास ले लो, ग्लास में फुल आप वाटर भर लो, और फिर देखो जो नारियल पानी पीने वाला जो पाइप आती है, ठीक है, वो पाइप को आप उठाओ या कोई भी स्मॉलेस्ट पाइप उठाओ और उस वाटर भरे जो ग्लास है उसमें डाल दो पाइप को। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो पाइप होगा उसमें हल्का सा वाटर ऊपर उठ के आ जाएगा, ठीक है, सो वही यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है, बट पूरा का पूरा नहीं आएगा, इस चीज को भी आपको समझ के रखना है। सो इसमें क्या होगा, कुछ ही डिस्टेंस तक, यहाँ पे कुछ ही डिस्टेंस तक हल्का सा मर्क्यूरी ऊपर आएगा और बाकी की जगह पे यहाँ पे एम्प्टी स्पेस रहेगा। और ये ऐसा एम्प्टी स्पेस है जहां पे एक एयर का मॉलिक्यूल तक नहीं है, और जहां पे एटम्स और आयंस मॉलिक्यूल्स नहीं होते हम उसे वैक्यूम बोलते हैं, और इसलिए इस वैक्यूम का नाम रखा गया टोरिसेलीज वैक्यूम, क्योंकि इसको, इस पूरे चीज को इन्वेंट टोरिसेलीज ने किया था, ठीक है। चलो अब हम लोगों को थोड़ा सा इनसे क्या सीखा वो चीज समझते हैं कि हाउ वी विल मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज पी नॉट, हम कैसे इसको मेजर करेंगे, ओके, क्योंकि हमारा मेन जो है कि बैरोमीटर का इस्तेमाल करके कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना। सो नाउ सपोज यहां पे हमने पॉइंट ले लिया किधर भी सी और यहां पर भी सी, और इन्हीं दोनों के एकदम एडजेसेंट पे, इन्हीं के एडजेसेंट पे हमने पॉइंट बी ले लिया एकदम एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या है, ऐसा हमने डिस्टेंस पे लिया है, और हमने अभी पढ़ा कि कोई भी मटेरियल रेंडो उसमें जो प्रेशर अप्लाई होता है वो इक्वली अप्लाई होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। ओके सो इसका मतलब क्या है कि अगर जितना फोर्स सी पे, यानी प्रेशर सी पे अप्लाई होगा, उतना ही अपना बी पे भी अप्लाई होगा, यानी कि प्रेशर एग्जैक्टली सिमिलर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना सी में अप्लाई होगा उतना ही जितना भी सी में होगा उतना ही बी में भी अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों एकदम एग्जैक्टली सिमिलर एडजेसेंट जगह पे है, सिमिलर एकदम सेम पॉइंट पे, सेम लाइन ऑफ पॉइंट में, पूरी की पूरी जो भी अपना पॉइंट बी है वहां पर भी, तो हर जगह सेम, यानी कि सी पॉइंट पे और बी पॉइंट पे और ये सी पॉइंट पे एग्जैक्टली सेम प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है, इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट पी बी है उसका पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जैक्टली इक्वल है। व्हाई, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, आप बोलोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे लग रहा है, तो भाई ऊपर क्या है, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल है, और सी पे क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर अप्लाई होगा, ये भी सी है, और बी भी सेम डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा, और हमने कंसिडर किया कि जो पी नॉट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि पी बी इज इक्वल टू, यानी कि प्रेशर एट बी इज ऑलवेज इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। नाउ नेक्स्ट, अभी हम लोग को ये वाला इक्वेशन
पता ही है कि PB इक्वल टू PA प्लस H रो G, ये हमको मालूम है। ठीक है, कैसे मालूम है, क्योंकि हमने इसको बहुत बार सॉल्व किया है। PA क्या हो जाएगा, अपना नॉर्मल सा प्रेशर, पॉइंट प्रेशर एट पॉइंट ए, एंड एच रो जी इट इज दी प्रेशर अप्लाइड बाय टोटल लिक्विड कॉलम, यानी कि जो भी यहाँ पे चीजें हैं उनके थ्रू लगाया गया। और पीबी क्या है, ये अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि हमने अभी सीखा था पी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसा आया करता था ना पी प्लस एच रो जी, ऐसे बहुत बार आया है। पी वन नॉर्मल अपना प्रेशर है, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एच रो जी जो लिक्विड कॉलम ने लगाया ये प्रेशर होता है। तो ऐसा एक रिलेशन बनता है, वही रिलेशन हमने यहाँ पे यूज किया है, जहाँ पे पी ए क्या है, इट इज द प्रेशर अप्लाइड एट पॉइंट ए। ओके चलो, तो नाउ अब यहाँ पे क्या है कि जो पी ए होगा ये क्या होगा, जीरो होगा। वाई ये जीरो क्यों होगा, अब हम लोग को इसी चीज को यहाँ पे समझना है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी प्रेशर अप्लाई करना है तो वहां कहीं ना कहीं जगह पे, अभी देखो समझ लो, यहाँ पे समझना अच्छे से, ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि पीए भाई जीरो क्यों हो गया। ठीक है, ये चीज समझ लेना। सपोज अगर यहाँ पे सी पॉइंट है, सी, और सी पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल है, नीचे से लिक्विड मॉलिक्यूल है, ऊपर एयर मॉलिक्यूल, नीचे से लिक्विड मॉलिक्यूल, यहाँ भी लिक्विड मॉलिक्यूल और एडजेसेंट साइड में है, तो इसीलिए बी पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा अच्छा खासा, तो प्रेशर अप्लाई हो रहा है। बट यहाँ पे ए के लिए कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, ऊपर वैक्यूम है, टॉरिसेली वैक्यूम है, सो इसके लिए ऊपर से कोई भी प्रेशर नहीं होगा, सो प्रेशर एट पॉइंट ए इज शुड बी जीरो। ओके, सो यहाँ पे जो पी ए होगा ये क्या होगा, जीरो, बिकॉज वैक्यूम Above the point A, point A के ऊपर क्या है, vacuum है, so ऊपर से जो प्रेशर आएगा वो nil होगा, यानी जीरो होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। so हम PA के जगह में क्या ले लेंगे, जीरो, और अपने को PB क्या मिलेगा, यानी कि प्रेशर एट पॉइंट B क्या मिल जाएगा, अपने को मिलेगा H rho G, and PB is equal to which, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, so एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू H rho G, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आया, H rho G आ गया। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, एक दो बार वीडियो रिवाइंड करोगे जरूर समझेगा। बस इतना समझ के रखना कि पॉइंट ए पे प्रेशर जीरो होगा, पॉइंट बी पे उतना ही प्रेशर होगा जितना पॉइंट सी पे होगा, और पॉइंट सी पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट बी पे कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, बिकॉज क्योंकि पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे जो प्रेशर होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है, और पॉइंट ए पे प्रेशर जीरो होगा बिकॉज अबव द पॉइंट ए देयर इज वैक्यूम इज एग्जिस्टेड, एंड वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल्स एटम साइंस नहीं होते, इसीलिए कौन प्रेशर अप्लाई करेगा, तो इसीलिए कोई नहीं अप्लाई करेगा, इसीलिए पीए पे जो मतलब जो भी अपना प्रेशर होगा जीरो होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला यहाँ पे समझते हैं मेजरमेंट के लिए, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजीएस्ट वन। ओके, ये जो ओपन ट्यूब मैनोमीटर है, मैनोमीटर ना कि नैनोमीटर, ओके, हाँ मैनोमीटर, ओके, सो जो मैनोमीटर है ये यू शेप्ड होता है। कैसा होता है ये, यू शेप्ड। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ये कुछ ऐसा शेप का है, आप इसे देख सकते हो। ओके, नाउ अभी यहाँ पे जो डी पॉइंट है इसे हम बोलेंगे कंटेनर, क्या बोलेंगे, कंटेनर, जो कि किसी चीज को कंटेन करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर से हमने कोई चीज लिक्विड डाली और ये यहाँ से यहाँ तक आके फ्लो हो गया। ठीक है, इतना सा यहाँ पे ऐसा आया और यहाँ पे रुक गया पॉइंट सी पे, पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी पे लिक्विड मटेरियल रुक गया। ओके, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है कि प्रेशर एट सी कितना होगा, हम लोग को यही निकालना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो, तो अभी हम लोग फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने कंसीडर किया कि पॉइंट सी पे जैसा एक पॉइंट है, उसी के एग्जैक्टली एकदम सेम जगह पे जैसा हमने यहाँ पे लिया था, जैसा हमने यहाँ पे पूरा का पूरा पॉइंट, देखो यहाँ पे जैसा सी था, ये जो सी है ना यहाँ पे, ये जो सी पॉइंट है, ये सी के एकदम एडजेसेंट पे हमने बी पॉइंट लिया था, यानी जितना प्रेशर सी पे अप्लाई होगा उतना ही बी पे भी अप्लाई हो रहा था। सो वैसे ही सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जितना सी पे अप्लाई होगा उतना ही इसका मतलब बी पे अप्लाई होगा, यानी कि अगर बी में हमको प्रेशर मिल गया तो सी में कितना अप्लाई हो रहा है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि पॉइंट एडजेसेंट है और सेम डिस्टेंस में सेम ही प्रेशर अप्लाई होता है, ये हमने P इक्वल टू H रो G प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम की वजह से ये चीज से सीखी थी। ओके, ये चीज समझना। सो जितना B में अप्लाई होगा उतना ही C में अप्लाई होगा, और ये पॉइंट A है जिसमें एयर मॉलिक्यूल्स प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ऊपर से, और कंटेनर है जहां की पूरा वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब कोई प्रेशर ही नहीं है। ओके, इस चीज को आपको समझ के रखना है। सो आप ऐसा मत बोलना कि सी पे जीरो हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं, क्योंकि पॉइंट बी पे जितना आएगा उतना ही सी पे होगा। तो समझते हैं क्या है, सो प्रेशर एट पॉइंट बी एंड सी इज सेम, तो सेम हो गया भाई, पी सी इज इक्वल टू पी बी अभी पढ़ा। ठीक है, सो प्रेशर एट बी क्या है, ये क्या होगा। ठीक है, तो प्रेशर एट बी, देखो कुछ हाइट भी देके रखा है, सो यहाँ पे नॉर्मली हम क्या पढ़ते थे, प्रेशर एट बी क्या होगा, पी बी इज इक्वल टू
पी नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस यहाँ पे एच रो जी क्या है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ये आपको देखो इक्वेशन बहुत बार हमने पढ़ चुका है, आपको ये याद करना पड़ेगा आप क्योंकि ये फॉर्मूला है। और पी नॉट क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी बी क्या है, प्रेशर एट द पॉइंट, तो कौन से पॉइंट, पी बी पॉइंट पे यानी कि बी पॉइंट पे। और एच क्या है, हाइट है। रो क्या है, डेंसिटी है। तो और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है। सो ये चीजें आपको समझ के रखनी है। सो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट एच रो जी आपने को मिल गया। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स प्रिंसिपल जो प्रेशर एट सी होगा, प्रेशर एट सी इज सेम एट प्रेशर डी, जितना डी पे प्रेशर होगा वही प्रेशर सी पे भी होगा। बिकॉज पास्कल ने क्या बोला था कि ये जो यहाँ पे कंटेनर है, अगर सपोज यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, सपोज वैक्यूम नहीं है, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि भाई कंटेनर वैक्यूम वाला है, क्योंकि ऐसा मैनोमीटर में कुछ पता नहीं होता है कि वैक्यूम है या नहीं है। एक डिवाइस है, जस्ट एक दुकान में मिलता है ऐसा डिवाइस, ठीक है। सो इसे पता नहीं कि भाई कंटेनर में वैक्यूम है या नहीं। तो सपोज अगर इस चैम्बर में कुछ ना कुछ मटेरियल रहा, मॉलिक्यूल्स एयर के रहे, तो क्या होगा, तो जितना प्रेशर यहाँ पे डी में अप्लाई होगा, डी पॉइंट पे अप्लाई होगा, उतना ही सी में भी अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। पास्कल क्या बोलते थे, ये लॉ क्या बोलता था कि कोई भी लिक्विड में या कोई भी मटेरियल मॉलिक्यूल में जो प्रेशर अप्लाई होता है वो हर जगह उतना ही प्रेशर अप्लाई रहता है, यानी कि डी में जितना अप्लाई होगा उतना ही सी में भी अप्लाई होगा, यही पास्कल रूल है। ओके, सो जो पी होगा, प्रेशर एट कंटेनर, ये पी है। सो पी इज इक्वल टू पी सी मैंने मान लिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर प्रेशर पी है तो जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना ही प्रेशर पी सी होगा, यानी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी। और अभी हमने देखा कि पी सी की इक्वल कौन सा है, पी बी, यानी कि पी सी इज इक्वल टू पी बी। ये दो चीजें हमको मिल गई, यानी पी सी इज इक्वल टू पी बी, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या लिया था कि जितना प्रेशर पॉइंट सी में होगा उतना ही प्रेशर कहाँ होगा, उतना ही प्रेशर होगा पॉइंट बी में। इस चीज को आपको समझ के रखना है, ठीक है। फिर से अच्छे समझ लेते हैं, पॉइंट जो सी है इसके जस्ट एडजेसेंट में पॉइंट बी लिया है, तो पॉइंट सी में जितना प्रेशर होगा उतना ही बी में होगा। बट अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, सपोज कंटेनर में जो प्रेशर है वो पी है, और पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग अगर पी में जितना प्रेशर होगा तो उतना ही प्रेशर सी पॉइंट पर भी होगा। सो यानी कि दो चीजें मिल गई, पी सी इज इक्वल टू पी बी होगा और दूसरा पी इज इक्वल टू पी सी होगा। ये चीजें अपने को मिल गई, ठीक है। और इक्वेशन नंबर वन बिकम्स क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान देना अच्छे से। सो पी इज इक्वल टू पी नॉट एच रो जी ऐसा बन जाएगा। ओके, सो नाउ ये चीजें अपने को मिलेंगी, ये अपने को एक इक्वेशन बन जाएगा ऐसा, ठीक है। सो जब पी इज इक्वल टू पी रो एच रो जी यहाँ पे बन जाएगा ऐसा, सो क्या मतलब अपने को मिलेगा क्या यहाँ पे एग्जैक्टली, मतलब क्या चीज अपने को सॉल्व होके अपने को मेन चीज कैसे आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अभी एक चीज समझनी पड़ेगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो पी सी है वो इक्वल है पी के, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, जो पी सी है वो इक्वल है पी के, और जो पी सी है वो इक्वल और किसके, पी बी के भी है, यानी पी बी इक्वल हो गया पी सी के, और पी सी किसके इक्वल है, पी के। इसका मतलब मैं पी बी के जगह में पी लिख सकता हूँ, समझा के लिए, अच्छे से नहीं समझा होगा, देखो फिर से समझ लो। अगर यहाँ पे ठीक है, इस चीज को मैं मिटा देता हूँ अच्छे से, ध्यान देना अच्छे से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सपोज यहाँ पे पी किसके इक्वल है, पी सी के इक्वल है, और पी सी किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, जब P PC के बराबर है और PC जो है PB के बराबर है, इसका मतलब जो P है वो PB के बराबर है, समझ गया कि नहीं। यानी कि मैं PB की जगह में क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ, ठीक है। और P नॉट अपना बनाइए, P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एच रो जी इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, जो लिक्विड है इसके थ्रू जो अपना प्रेशर है एच रो जी, ठीक है। सो ये अपने को मिल गया, यानी पी माइनस पी नॉट एच रो जी इज द गेज प्रेशर इन कंटेनर। कंटेनर में कितना प्रेशर होगा, क्योंकि अपने को बैरोमीटर, जो मैनोमीटर है, मैनोमीटर में प्रेशर एट कंटेनर यानी पी फाइंड करना था, और इसके पहले जो मर्क्यूरी मीटर था यानी कि इसके पहले वाला, ये इसमें हम लोग को एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट पॉइंट बी ये फाइंड करना था, ओके। और मैनोमीटर में प्रेशर एट दी कंटेनर ये फाइंड करना था, तो प्रेशर एट दी कंटेनर हमने क्या कंसीडर किया था, पी को कंसीडर किया था, ठीक है। और पास्कल रूल के हिसाब से पी जितना होगा जितना पी सी होगा, और पी सी कितना है, पी बी के इक्वल है। सो हम लोग को पता है कि पी बी इज इक्वल टू पी सी, पी नॉट प्लस एच रो जी, और इस रिलेशन से हमने फटाफट फाइंड कर लिया अपना प्रेशर, यानी पी इज इक्वल टू जो आया वो क्या है, पी इज इक्वल टू पी नॉट एच रो जी। पी क्या था, कंटेनर का प्रेशर। सो पी माइनस पी नॉट ये क्या होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड नॉर्मल एब्सोल्यूट प्रेशर। सो एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आया, एच रो जी, और एच रो जी क्या होता है, गेज प्रेशर होता है। सो गेज प्रेशर एट द कंटेनर ये
हम लोग को मिल गया। सो कभी एमसीक्यू पॉइंट या फिर न्यूमेरिकल पूछता है तो ऐसे लिख देने का, मैनोमीटर बोला तो कंटेनर का प्रेशर याद रखना क्या होगा, पी इक्वल टू पी नॉट एच रो जी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर कभी कभी मर्क्यूरीमीटर में पूछ लिया, मैनोमीटर में पूछा तो ये, मर्क्यूरीमीटर में पूछा तो पी नॉट इज इक्वल टू एच रो जी, ठीक है, इस चीज को आपको समझ के रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वाले जो अपना वीडियो है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक वगैरह जरूर कर दीजिएगा, थम्स अप जरूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, बिकॉज बहुत लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलती है और वीडियो आ जाती है तभी भी, ठीक है। बहुत सारी वीडियोज अपलोडेड है और आप लोग नीचे न्यू इंडियन एरा लिखा है वहां पे क्लिक कीजिए और जाइए, यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगे, या तो आप ज्वाइन बटन आपको ब्लू कलर में दिख रही होगी वहां से क्लिक करके नोट्स ले लीजिए, या तो फिर यहां से ले लीजिए या फिर मेल करके मेरे से ले लीजिए, ओके। चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।